जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वेतचंद्र जय गौरभवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वेत चंद्र जय गौर भक्त वृंद नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के बारे में शाखा उपशाखाओं के बारे में सुन रहे हैं अब यहाँ पे हम सुन रहे हैं पुरंदर पंडित के बारे में मेरे संगी बोलिए नित्यानंद प्रभुर प्रिया पंडित पुरंदर प्रेरणा निरे ये मंदर अच्छा नित्यानंद प्रभु के प्रिय पार्शुद में थे पुरंदर पंडित प्रेरणा के के बीच में फिरे ये न मंदर जैसे कि मंदरा आपको जब करना है तो बाहर जाके कीजिए ये दो काम मत कीजिए तो आप क्लास सुनिए तो या जब कीजिए अब मुंह तो चल रहा था आपका मुंह चलाने का मेरा यहाँ पे है आपको आप कान चलाइए कान से सुनिए तो फिर है यही छे ना मंदर समझ रहे हैं कितना सुंदर रूप दे रहे हैं जैसे समुद्र मंथन हो रहा था ना समुद्र मंथन में दूध का समुद्र था जिसमें मंदराचल से मंथन किया जा रहा था तो कह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि प्रेम का समुद्र हो और उसमें मंदर पर्वत हो जिसका मंथन कर रहा हो ऐसे थे पुर, पुरंदर पंडित नहीं इनके हृदय में सदा ही कृष्ण प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था ये कह सकते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के तेरवें मुख्य भक्त पंडित पुरंदर थे वे भगवत प्रेम के सागर में इस तरह चलते थे मानो मंदर पर्वत हो समझ में आ गया ना उपमा क्यों दे रहे हैं पुरंदर पंडित खड़धा में श्री नित्यानंद प्रभु से मिले थे जब नित्यानंद इस गांव में गए थे तो वहां उन्होंने अलौकिक नृत्य किया जिस पर पुरंदर पंडित मोहित हो गए वे उस समय पेड़ के ऊपर चढ़े थे और नित्यानंद का नृत्य देखकर अपने आप को अंगत कहते हुए ऊपर से जमीन पर कूद पड़े अंगत भगवान रामचंद्र की लीलाओं के समय हनुमान के खेमे के भक्त थे अब ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि उनका स्वरूप क्या था, अंगत थे या क्या थे कुछ नहीं जानते। परमेश्वर दास शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे ये करे स्मरण परमेश्वर दास नाम के भक्त हुए जिनकी निंदा नित्यानंद प्रभु एकमात्र शरण थे कृष्ण भक्ति व्यक्ति पाता है यदि उनका स्मरण करता है तो आप देख रहे हैं कि आप सोचेंगे इसमें फिलॉसफी तो है कुछ नहीं करना क्या है कुछ कर रहे प्रयोजन यही कि कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए तो उन सबका स्मरण उनका नाम बोलने से स्मरण करने से हमारे शुद्धिकरण होता है परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के पांचवें गोपाल कहे जाते हैं वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित थे जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास को स्मरण करेगा उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा हाँ, इनके बारे में वर्णन है शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं चैतन्य भागवत में कहा गया है कि परमेश्वर दास जिन्हें कभी कभी परमेश्वरी दास भी कहा जाता है परमेश्वरी कौन हो गई श्रीमती राधारन नित्यानंद प्रभु के सर्वस्व थे परमेश्वर दास का शरीर नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का स्थल था ये क्या अर्थ है देखिए इस जगत में देखा जाता है कि अगर कोई देवता भी पूजा करता है किसी देवता की पूजा करता है और देवता को बहुत पसंद है तो देवता उसके शरीर में विद्यमान रहता है ये सुना है देखा है क्या आपने हम जानते हैं बहुत से लोग जानते हैं कोई कि कि किसी के शरीर में हनुमान जी रहते हैं किसी शरीर में दुर्गा जी रहती हैं शिव शिव जी भी रहते हैं तो उस ये सब बात देखी गई इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान सदा रहते हैं तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है परमेश्वर दास कुछ काल तक खड़दह गांव में रहे और वे सदैव गोपाल यानी ग्वाल बाल के भाव से अभिभूत रहते थे इसका अर्थ है कि उनको बाह्य स्मृति नहीं रहती थी इज़ ऑलवेज मतलब अपने इसी चेतना में रहते थे अपने स्वरूप की स्थिति में रहते थे जैसे हम लोग कपड़े पहने लेकिन कपड़े से अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी है तो ज्यादा थोड़े बुद्धू हैं तो कपड़े से भी पहचान करने लग जाते हैं लेकिन जिस प्रकार से लेकिन अपने शरीर से तो बहुत पहचान कर रहे हैं इन लोगों की पहचान अपने शरीर से नहीं होती वो अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं अगर आपको याद हो हम लोग महाप्रभु की शिक्षा को सुन चुके थे ना कि बाह्य रूप से भले ही वह सामान्य भक्ति की तरह भक्त की तरह कार्य कर रहा है आंतरिक रूप से हमेशा स्मरण रहता है कि वो है कौन ये नॉट डिड बाय माया से कहना चाहिए तो यही बात बोल रहे हैं बारहवें बारह गोपालों में से वे पांचवें थे वे बारह गोपाल तो सब समझ ही रहे हैं तो मुगल बारा गोपाल थे वे खेतरी में संपन्न उत्सव में श्रीमती जहानवा देवी के साथ थे ये कौन सा उत्सव है ये जो प्रथम गौर पूर्णिमा उत्सव था वे खेतरी ग्राम में जहानवा माता जी के द्वारा संपन्न कराया गया तो जहानवा माता जी कौन है आपको पता है नित्यानंद प्रभु की पत्नी बड़ी पत्नी कह लीजिए बत्नी रलाकर नहीं भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्रीमती जहानवा माता के आदेश से उन्होंने हुगली जिले के आठपुर स्थान पर राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना करी इत्यादि उसके बाद उसको उनके वंशावली के बारे में उसको हम छोड़ दे रहे हैं ठीक है जगदीश पंडित है जगत पावना कृष्ण प्रेमामृत न वर्षा खन जगदीश पंडित उनके अगले पार्षद हुए और वह जगत पावन जगत को पवित्र करने वाले हुए कृष्ण प्रेमावर्त वर्षे ये न वर्षा खन कृष्ण की प्रेम की अमृत की वह वर्षा करते थे जैसे कोई घनघोर घन घं को बादल वर्षा करता इस प्रकार से ये उपमा बड़ी सुंदर है क्योंकि देखिए बादल जब पानी बरसाता है तो देखता नहीं कि उस सामने वाला जो पर बरसा रहा है उसको जरूरत है कि नहीं जरूरत देख करके नहीं बरसाता तो उसी तरह से समझना चाहिए कि ये जगदीश पंडित सभी के ऊपर कृष्ण के प्रेम की वर्षा करते देखिए ये महान भक्त ऐसे है कि केवल देख कर कृष्ण प्रेम दे सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि महाप्रभु ने नहीं किया और आप रामदास जी के बारे में नहीं सुने छड़ी से मारे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए एक बात हम लोग भूल जाते हैं शायद तो थोड़ा यहाँ पे आ रही बात तो हम समझ लें इस बात को कि देखिए भक्ति का कंट्रोल दो जगह से है एक आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं और दूसरा कोई महान भक्त का किसी तरह से संकल्प हो जाए कि इसकी भक्ति हो जाए तो इधर से कुछ ना भी हो तो भी भक्ति होने लग जाती और वृंदावन परमपुर जब वृंदावन चंद महाज समझा रहे थे कि लर्निंग कार्स होती हैं ट्रेनिंग कार्स तो उसमें दो कंट्रोल होते हैं मैं तो कभी सीखा नहीं तो मुझे मैं तो खाली थ्योरी में बोल रहा हूँ जो सीखे होंगे ऐसा होता है अमेरिका में क्या होता है तो वो कह रहे हैं उसी तरह से एक कंट्रोल तो हमारे हाथ में रहता है और दूसरा कंट्रोल ट्रेनर के हाथ में रहता है तो ये एक बहुत सुंदर बात है और वस्तः बात तो यही है कि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की भावना से हम भक्ति करते हैं अब हम अपनी भक्ति की गुणवत्ता को देखें तो वो तो बहुत हल्की है

प्रेमा वर्षा करते थे उनका भी सुनी चुके हैं ना क्या नाम था तो दास अब उनको कौन बोला उस काजी के के पास जाने के लिए रात्रि के समय उसको करके, उसको डिस्टर्ब उसको करके कॉलर पकड़ के तुम तो कहो हरि कृष्ण बोलो या जो भी नाम उच्चारण करो उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की बौछार ऐसी बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी अच्छा इस उपमा को और एक तरह से समझिए कि जब बरसात हो रही होती तो व्यक्ति पूरा भीग जाता है इस तरह से भी वह है प्रेम की वर्षा करते थे कि व्यक्ति प्रेम से भर जाए सोचिए एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी सेना है ऐसे प्रेमी भक्तों की ये एक सोचने वाली बात है ना कृष्ण प्रेमी भक्त तो ऐसे ही अरे प्रेमी तो छोड़ दीजिए निष्ठाई पहुंचना बहुत मुश्किल है अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करने में एकदम तो पसीने छूट जाते हैं कि नहीं कभी सोचा नहीं आपने छोटे से विचार कीजिए कि जब कर रहे हैं मालूम नींद आ रहे और उसी टाइम में गुलाब जामुन आ जाए तुरंत नींद भाग जाएगी ये आप कभी एक्सपेरिमेंट करना बहुत संघर्ष कर रहे जब कर रहे हैं उधर माला को किनारे रख करके रसगुल्ला खाना शुरू कर दीजिए कुछ भी मतलब प्रसाद एकदम नींद नहीं आएगी और उसका फिर माला पकड़ी फिर नींद आ जाएगी तो कुछ तो लगता है ना क्योंकि कुछ तो है आज तक कोई सेमिनार नहीं देना पड़ा ना खा प्रसाद कैसे खाएं क्या करें कुछ कुछ भी कोई दिक्कत नहीं खाया तो जहां राग है सहज वहां ये सब दिक्कत नहीं आती कि अब थके हैं कि नहीं है ना क्या है कुछ भी नहीं कभी आप लोग सोचते नहीं कि अब केवल डेढ़ घंटा सोकर होकर हरिदास ठाकुर जी कैसे काम चलाते थे वो काम चलाने वाली बात नहीं उनको याद ही नहीं रहता था कि सोना कब है लालच तो होना चाहिए स्थिति तो है नहीं लेकिन लालच होती क्या तो हरिनाम का अनुभव होगा उन लोगों खैर हम लोग सबको प्राप्त होगा जो भगवान की कृपा होगी तो भगवान हो सकता है सब इस प्रकार से खैर प्रेम की बौछार क्या करते थे महान भक्ति शिला भक्ति सलाहकार ने अपने अनिभाष में लिखते हैं वे डिटेल्स बता हैं कुछ। चेतन महाप्रभु ने जगदीश को जगन्नाथपुरी जाकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का आदेश दिया जगन्नाथपुरी से लौटने के बाद उन्होंने जगन्नाथ भगवान के आदेश से यशदा ग्राम में जगन्नाथ के आचार विग्रह की स्थापना की कहा जाता है कि जगदीश पंडित जगन्नाथ के भारी अच्छा को एक लाठी में बांध कर यशदा ग्राम तक लाए आज भी मंदिर के पुजारी उस लाठी को दिखलाते हैं जिसका उपयोग जगदीश पंडित द्वारा जगन्नाथ के विग्रह को लाने किया किया के लिए किया गया था कौन से जगन्नाथ के विग्रह हम नहीं जान रहे हैं जो आपकी कोई बात कोई सुन नहीं पा रहा है तो अब मैं बोलिए चलिए ठीक है अभी पढ़ते हैं आगे नित्यानंद प्रभु सॉरी नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेम क्यों रख दिया संस्कृत बना दिया नित्यानंद प्रभु के अत्यंत प्रिय भृत्य है इनका नाम है धनंजय पंडित अत्यंत विरक्त थे और सदा कृष्ण प्रेम में थे कृष्ण प्रेम पूरी थे तो इसको हम आगे पढ़ते हैं हाँ वे बारह गोपालों में से एक थे गौर गुणोदेश के अनुसार उनका पहले का नाम वसु था ठीक है और कुछ नहीं है महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल धक्का वाद्य नृत्य करे प्रेम मातो याल महेश पंडित ब्रज के उदार गोपाल थे उदार गोपाल थे मतलब तो। उदार नामक गोपाल थे नहीं अत्यंत उदार थे वे धक्का यानी नगाड़ा बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे यही चलता है कीर्तन में नगाड़ा नगाड़ा सुनकर तो मुझे अपने स्कूल की पीटी का टीचर याद आ रहा हो डिंग 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 उसपे भी कीर्तन होता होगा हरे कृष्णा हो सकता है कुछ भी ऐसा होता होगा तो उसमें नाचते हो गए नगाड़ा तो बचता है कीर्तन में कैसे बचता होगा पता नहीं बसता है हाँ ठीक है ठीक है नवदीप पुरुषोत्तम पंडित महाशय नित्यानंद नामे जार है नवदीप में पुरुषोत्तम पंडित नाम के महाशय थे नित्यानंद के नाम से ही उनको महा उन्माद हो जाता था मैं समझता तो हूँ इतने पढ़ के आगे चले जाते हैं क्योंकि जो उसमें टीका है वो समझने में कुछ कठिन नहीं यहाँ ये स्थान था ये स्टेशन था ऐसे बातें की गई हैं तो उधर इसकी व्याख्या की कोई स्कोप नहीं है मेरे पास हम आगे पढ़ते हैं हाँ बारह गोपालों के रूप में उनका पहले का नाम स्तोक कृष्ण स्तोक मतलब छोटे बच्चे छोटे रूप छोटे बालक थे बलराम दास कृष्ण प्रेम रसा स्वादी नित्यानंद नाम है कृष्ण प्रेम के रसा स्वादी थे भक्त नित्यानंद के नाम से उनको परम उन्माद होने लगता था अच्छा इनके बारे में कोई टीका नहीं है महा भागवत कवि चंद्र जहां हृदय नित्य करे नित्यानंद महाभागवत यदुनाथ कविचंद्र इनके हृदय में नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे तो बहुत बड़ा गुण तो है नहीं तो सिंपल से गुण है ना <laughs> नित्यानंद प्रभु अगर हृदय में नृत्य कर रहे हैं तो अब वो व्यक्ति कितना नृत्य करेगा और कैसा करेगा उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते क्या वो आनंद में होंगे बताइए नित्यानंद के हृदय में ये सोचने वाली बात है ना सारे महाभागवत फ्रेंड्स दैट्स क्वाइट अमेजिंग जिनके संग चले अब इस पे सोच लीजिए कि अपराध क्या चीज होती है राम अब पढ़ेंगे आगे रामचंद्र कवि सॉरी क्षमा कीजिए रामचंद्र कविरादी रामचंद्र खान रामचंद्र खान ने हरदास ठाकुर के प्रति अपराध किया अब देखिए कितना बड़ा भाग्य कि ऐसे सारे पार्षदों को लेकर के उसके घर पे आए अरे अपनी जान दे देगा पितृ सेवा करने के लिए और उसने कहा कि श्रीपाद वो खुद आया भी नहीं अपने सेवक को बाहर से बाहर बोला देखिये बोल दो तो श्रीपात बड़े देखिए में श्रीपात इतना मतलब सम्मान दे रहा तथा सम्मान, कि हमारा घर आपके लिए है जब मैं सुनता हूँ गुस्सा आता है महाप्रभु जो है कहते हाँ ये स्थान जो है हमारे लिए योग्य नहीं है ये तो वो स्थान है जहाँ पे गाय काटी जाए ऐसे करके महाप्रभु वहां पे उस गांव में ही नहीं रुकते और कुछ समय बाद मुसलमान आता है पूरे गांव को तबाह कर देता है उसके घर में, में गाय काटता है बहुत खतरनाक चीज है उधर देखिए जगह मनाए कितनी बड़ी कृपा प्राप्त हो गई कितने बड़े नलायक थे बड़े बला... बहुत खराब पति जीव थे और आगे जाकर कुछ अगले दिन कुछ ही समय से उनको महान ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कोई आर्ग क्या लिए? नेगेटिव नहीं आना चाहते बट ये आश्चर्य की बात है ना आपके सब तरफ महाप्रेमी लोग इकट्ठे हैं क्या वो टोली होगी और 500 साल पहले लोग धमाल कर दिए होंगे कि नहीं क्या वो कीर्तन रहा होगा सोचिए केवल नाम सुनने मात्र से वो प्रेमोन्माद हो रहा है और ऐसे सारे के सारे भक्त हैं हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग को तो थोड़ा सा हल्का सा कुछ नाम का रस मिल जाता था, था। वाह हम तो हो गएटी है कि नहीं डिवोटी बन गए है कि नहीं जो भी है यदुनाथ कवि बोल ली ना हाँ ये तो बोले भी यदुनाथ कविचंद्र महान भक्त थे जिनके उनके हृदय में श्री नितर प्रभु सतत नृत्य करते थे चेतन भागवत में कहा गया कि रत्नगर्भ नामक एक महाशय श्री चतन महाप्रभु के पिता के मित्र थे दोनों एक ही गांव के निवासी थे रत्नगर्भ कृष्णानंद जीव तथा राडे जार जन्म कृष्ण दास द्विजवर श्री नित्यानंद रे हो परम किंकर राड देश पश्चिमी बंगाल दैट मीन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बोलेंगे वेस्ट वेस्ट बंगाल है ना ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बोला जाएगा अच्छा मैं कभी कोई सोचा करता था वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है तो वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है वो ईस्ट और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में से वो वेस्ट है जैसे वेस्ट यूपी नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया मैं सोचा करता था कि हमारे यहाँ से देखेंगे तो बंगाल तो ईस्ट में है तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं लेकिन लेकिन वो बंगाल में ही दो भाग कर जाए वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो इसलिए वेस्ट बंगाल कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे राडे अर्थात पश्चिम बंगाल यह बता रहे हैं आप राष्ट्र मतलब एक चक्र यानी कि मायापुर के पास तो वही वेस्ट बंगाल हो गया अरे पास का मतलब बांग्लादेश में ना है। तो है ना तो सात सात जो भी दो सौ किलोमीटर कुछ है ना तो वहां पे एक दिन हम लोग जाएंगे <laughs> <laughs> जय जाएं बोलने से पहले सोचिए टाइम नहीं बताया <laughs> और तरीका भी गूगल गूगल बाबा की तरह जूम करके नहीं तो एक काम कर सकते हैं प्रभु जी को बोल देते हैं वहीं से एक चले जाएंगे वहां से लाइव कर दें प्रभु, तो वहीं से से दिखा देंगे सब कुछ यहीं से के देख लेगा अच्छा अच्छा रहेगा, ये भाई यू आर, यू आर आर आप वर्च्वल, वर्च्वल माया टू। आगे पढ़ते। राडे जार जन्म जिनका पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था कृष्णदास ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे इनका नाम था कृष्णदास और वह नित्यानंद प्रभु के परम सेवक थे काला कृष्ण दास बड़ा वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र बिनु नहीं आ जाने आन काल दास बड़े महान वैष्णव थे वैष्णव प्रधान थे और नित्यानंद प्रभु के बिना और कुछ नहीं जानते थे हाँ वो कौन से हैं गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया कि काला कृष्ण दास जो कालिया कृष्ण दास के नाम से भी जाने जाते थे पहले लवंग नामक गोपाल थे वे बारह गोपालों में से एक थे ठाकुर ने अपने अनुभाष में लिखते हैं कालिया कृष्णदास का निवास स्थान हाट में था उसके बाद तो बता रहे हैं, लेकिन ये ये वो वाले काला कृष्णदास नहीं हैं जिनका पतन हो गया था दो प्रकार के काला है। तो ये वो काला कृष्णदास हैं, जो सबका झूठन खाते थे आगे जाकर के महाप्रभु के चरणों का जल भी उनको प्राप्त हुआ था श्री सदा शिव कविराज बड़ा महाशय श्री पुरुषोत्तम दासन स्पष्ट है सदा शिव कविराज महान भक्त हुए महाशय का मतलब महान आत्मा श्री पुरुषोत्तम दास उनके बेटे हुए दोनों ही महान भक्त हुए आ जन्म निमग्न नित्यानंदे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने आ जन्म निमग्न अर्थ समझिया जन्म से ही नित्यानंद के चरणों में वह निमग्न थे दिखा रहा है नित्य सिद्ध पार्षद की स्थिति अभी निरंतर बाल लीला करे का अर्थ पड़ेगा जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते That's गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली ने ओ ये हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया चंद्रावली ने बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया ये कभी शायद सुना नहीं या ध्यान में नहीं रखा होगा कि चंद्रावली देवी जो है वो किस रूप में गौर लीला में आए तो ये इंटरेस्टिंग बात है ये शब्द मैं कभी सुना नहीं मतलब इनका नाम वैसे कभी स्मरण में नहीं रहता सदाशिव कविराज तो सदाशिव नाम अच्छा रखा गया था सदाशिव उसके बाद कविराज भी जुड़ देते तो बड़ा अच्छा जोड़ा एक सौ चौरानवे तथा तो दो सौ में यह कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपी थे सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चेतन महाप्रभु के महान भक्त थे पुरुषोत्तम पुर्शो, दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे जो चाकल था वो बता रहे स्टेशनों के बारे में बता रहे तारा पुत्र यानी पुरुषोत्तम दास तारा पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर कृष्ण प्रेमा अमृतापुर किन के पुत्र पुरुषोत्तम दास के पुत्र हुए महान श्री कानू ठाकुर तो कानू नाम इज वेरी गुड <laughs> उर्फ लगा सकते हैं उर्फ कानू कानू इ कानू ठाकुर कानू ठाकुरानी कैन बी द नेम ऑफ अ जी <laughs> कानू ठाकुरानी नहीं कानू ठाकुर जार देहे रहे कृष्ण प्रेम अमृत पू जिनके देह में कृष्ण प्रेम गा अमृत पूरा रहता था भरा रहता था ऐसे करके हमारा तो एक ड्रॉप भी नहीं मिल रहा है ये दिक्कत है सूखा सूखा जीवन जा रहा है आ, कुछ इसमें जा रहा है अब वे कृष्ण इलाके समय दाम नामक ग्वाल बाल थे दाम किसके पुत्र हैं कहा जाता है कि कानू ठाकुर वह हैं पुरुषोत्तम के ही हैं उनका उनकी पत्नी का नाम जहानवा हो गया कहा जाता है कि कानू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जहानवा का देहांत हो गया अभी वे बारह दिन के थे तभी श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़द स्थित अपने घर ले गए नित्यानंद प्रभु के साथ उनके घर में रहना के बाद सौभाग्य विदान वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्ण दास रखा जब वे पांच साल के थे तो वे जहानवा वृंदावन गए थोड़ा कुछ समझना होगा उनकी माँ का नाम भी जहानवा था और नित्यानंद प्रभु की पत्नी का नाम भी जहानवा था थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होगा तो जहानवा माता के संग वृंदावन आए कानू ठाकुर के भाव में लक्ष्मण को देख करके ही गोस्वामी ने उनका नाम कनाई ठाकुर रख दिया था ओके उसका डिटेल से आप पढ़ दीजिएगा बहुत सारी बातें महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदारण सर्वभावे से वे चरण महाभागवत में श्रेष्ठ थे दत्त उद उदाहरण दत्त ठाकुर सभी भावों में वह नित्यानंद प्रभु के चरण की सेवा करते थे गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक ग्वाल बाल थे इनको पहले भी श्री उदाहरण दत्त कहते थे ठीक है इतने बात के आगे बढ़ रहे हैं आज हम पूरा कर देंगे ठीक कोई लीला आती तो उसमें पढ़ता मैं ठीक चलिए फिर इसके हम आगे पढ़ते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब आप पढ़ सकते हो कठिन नहीं, नहीं समझने के लिए आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी पूर्व नाम छिल रघुनाथपुरी okay. नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे जो भक्तिमय सेवा में एक महान अधिकारी थे वे पहले रघुनाथपुरी नाम से प्रसिद्ध थे गौर गणेश बताया गया है कि पहले रघुनाथपुरी अष्ट सिद्धियों में अत्यंत शक्तिशाली थे सिद्धियों में से एक से ही एक अवतार थे ओ, कितना amazing है। सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप थे और उन्हीं के अवतार बता समझ में नहीं आता ना लेकिन विष्णुदास नंदन गंगा दास तीन भाई पूर्वजा रचघी ठाकुर इनके काव्य कितना सुंदर है ना विष्णुदास नंदन और गंगादास तीन भाई थे इनके घर में रहे नित्यानंद गोसाई परमानंद उपाध्याय श्रीजीव पंडित नित्यानंद गुण गाय परमानंद उपाध्याय नित्यानंद, उपाध्या नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे और श्रीजीव पर, श्रीजीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते थे गौरव गणेश में कहा गया है कि जीव पंडित पूर्व जन्म में इंदिरा नाम की गोपी थे so, आती थी। आती थी, तो नित्य लीला में प्रवेश करके गई पता नहीं इनका नाम इंदिरा है तो वैसी उनका अपना नाम चेंज मतलब अच्छा नाम है। दिया है दिया है इंदिरा का लक्ष्मी होता है लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट भगवान के पार्षद का नाम भी परमानंद गुप्त कृष्ण अच्छा एक बात सोचिए जैसे मैं मात, उन माताजी को जानता हूँ तो इंदिरा बोलने से वो स्मरण हो जाता है कौन है क्या है अब हम लोग को लोग जानते नहीं इसलिए दिक्कत हो रहा है लेकिन ऐसे इनका नाम बोल रहे हैं तो उनके गुण भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं अब भले हम उनको इतने डिटेल में नहीं जानते तो ये बहुत सुंदर वाली बात परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामति पूर्वजारे घरे नित्यानंदे रवसति नित्यानंद प्रभु के इकतीसवें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे जो कृष्ण भक्त थे और आध्यात्मिक चेतन में अग्रणी थे नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें पूर्वजन की मंजू मेधा नामक गोपी बतलाया गया है नारायण कृष्णदास और मनोहर देवानंद चारी भाई नितई किंकर नारायण कृष्णदास मनोहर तथा देवानंद चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले बत्तीसवें तैतीसवें चौतीसवें और पैंतीसवें प्रमुख भक्त आप कहेंगे भाई ये तो श्लोक में है नहीं कि प्रभुपा जी काउंटिंग कर रहा है श्लोक में तो नहीं ना बत्तीस पैतीस ऐसी होड़ा कृष्ण दास नित्यानंद प्रभु प्राण नित्यानंद पद विनो नहीं जान आन स्पष्ट है होड कृष्ण दास उनके एकमात्र नित्यानंद प्रभु उनके प्राण थे नित्यानंद प्रभु के चरण के अलावा कुछ जानते नहीं थे ये बातें बहुत आसान लगती है कर पा रहे हम अपने जीवन में केवल कृष्ण ही के चरण ही हमारे प्राण हो ये बोलना तो बड़ा आसान है करना कितना कठिन बात है इसके लिए तो भगवत प्रेम चाहिए तभी तो हो पाएगा ना केवल इतना कि, कि भगवान के अलावा कुछ और ना बोले मैं आज इस पर विचार कर रहा था कि इसलिए कम से कम जबरदस्ती भगवान के बारे में बोलना चाहिए तो कम से कम उतना समय तो कुछ और बात बोलने का अवकाश नहीं रहेगा कुछ भी हो या हम एक घंटा बैठ करके भगवान के बारे में बोल ही रहे हैं कम से कम एक घंटा तो मैं कुछ और नहीं बोलूंगा तो मतलब होपफुली <laughs> है कि नहीं नकड़ी ये अलग सा नाम है नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर रामानंद वसु जगन्नाथ महीधर देखिए एक बात आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें व्याख्या तो कुछ कर नहीं रहे ये बताइए कि आप जो रोज दो घंटा जब करते हैं उसमें क्या व्याख्या सुनते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम आरे राम राम हरे हरे इस तरह से कभी देखे इस अध्याय को आप रोज दो घंटा करते हैं कि नहीं इसमें क्या व्याख्या सुन रहे हैं जरा बताइए लेकिन आप जान रहे हैं कि वो नाम ही हमको पवित्र करने वाला है तो इन सब के नाम भगवान का नाम तो है ही प्लस ये यहाँ पे भक्तों को इंगित कर रहा है तो और अपने को शुद्ध करने वाला है इनके नाम रखे गए बस श्रीधर बारहवें गोपाल थे श्रीमंत गोकुलरान शिवाई नंदाई अवधुत परमान गोपाल सनातन विष्णाई हजार नंद सुलोचन इतना अच्छा है कि हम सब लोग सो नहीं पा रहे है <laughs> कि नहीं अगर मैं बोलता रहता और केवल आप लोगों को नहीं बोलना होता तो तुमसे कुछ सो, सोने का मौका मिलता है ठीक है इनका वर्णन कुछ नहीं ज्यादा किया जा रहा है कंसारी सेन राम सेन राम कविराज गोविंद श्री रंग मुकुंद तीन कविराज कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं सब वैध थे बस इतना बताया जा रहा है हाँ श्री रामचंद्र कविराज खंडवासी चिरंजीव तथा सुनंद के पुत्र थे और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने कई बार उनकी संगति के लिए प्रार्थना की थी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी समान है समान स्तर पे है मतलब एक गुरु भाई कह लीजिए एक तरह से गुरु भाई देंस की जीव गोस्वामी के शिष्य थे लेकिन श्रीनिवास आचार्य के शिष्य है रामचंद्र कविराज और उनकी संगति की प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप इक्वेशन देखिए एक तरह से गुरु के स्तर पे है गुरु भाई हैं गुरु गुरु भाई मतलब गुरु के गुरु भाई हैं ये अर्थ है लेकिन गुरु जो गुरु हैं वह कह है। रहे रामचंद्र संगा मांगे नरोतम दास वैष्णव रिलेशनशिप बड़ा अद्भुत है मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कितना एक दूसरे को प्रेम करते होंगे कितना सुंदर वैष्णव समाज होगा ये एक सोचने वाली बात रियली लाइक लविंग इच अदर बड़ा अद्भुत है एक्चुअली कनेक्टेड हार्ट सभी कृष्ण के बारे में ये शब्द कनेक्टेड हार्ट ना सबका हृदय जुड़ा हुआ है कृष्ण की सेवा के लिए और ये सभी वैष्णव ऐसे थे हम लोग तो थोड़े थोड़े लोग जानते हैं इनमें से जितने लोग नाम पढ़ा मैं भी सबको जानता नहीं बहुत थोड़े लोगों को जानता हूँ थोड़े से लोगों के बारे में पढ़ता हूँ चैतन भागवत में आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में से पुण्डरी विद्यानिधि के बारे में बताया है और भक्तों के बारे में बताया तो वहां पढ़ सकते हैं डिटेल में श्री रामचंद्र कविराज गृहस्थी के कार्यों से सदा विरत रहते थे और श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार कार्य में काफी सहायता करते थे एक कहानी सुना चाहेंगे इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े वृद्ध हो गए थे और कुछ लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर जी से शास्त्रार्थ करने के लिए कि भाई ये ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण को दीक्षा क्यों दे रहे इत्यादि से करने के लिए उनके गांव में आने की प्लानिंग करी तो रामचंद्र कविराज और एक और भक्त थे मैं जहां तक स्मरण कर रहा हूं गंगा नारायण चक्रवर्ती कौन दूसरे भक्त थे याद नहीं आ रहा है दोनों लोग इनको डिफेंड करने के लिए ने प्लान बनाया क्या प्लान बनाया एक बन गया पान बेचने वाला और दूसरा था मटकी बेचने वाला और जान रहे थे कि ब्राह्मण आएंगे तो इन लोग को कुछ मटकियां चाहिए होती हैं खाना अपना खुद बनाते हैं ब्राह्मण लोग तो और दूसरा इन लोग को पान जूर लगता है तो ये जब आए उस गांव के मुख पे तो दोनों लोग बैठ गए रा, रा, रामचंद्र कविराज और एक और भक्त अभी हमें याद नहीं आ रहा कौन गंगा कुछ के नाम था उनका याद नहीं आ रहा नाम कि एग्जैक्टली क्या नाम था और फिर इन लोगों से बाहर कवि तुम्हारे पास मटके हैं क्या पान है क्या और जान करके इन्होंने उनसे झगड़ा किया और झगड़ा किया संस्कृत में और संस्कृत में करते करते फिलोसफी की बात ले आए और उनको वही हरा दिया तो ब्राह्मण लोग कहे आश्चर्य हो कि तुम पान वाले और मटकी बेचने वाले मटका कुम्हार टाइप की तुम लोग इतनी संस्कृत कैसे जानते हो इतना सिद्धांत कैसे जानते हो कहते हैं अरे हम तो मूर्ख हैं हमारे गुरु महाराज हैं नरशिला नरोत्तम दास ठाकुर तो वो वहीं से भाग्य कहे अरे भाई जब चेले पान बेचने वाला और मटकी बेचने वाला इतना तेज है तो का गुरु तो बहुत तेज होगा यद्यपि वो लोग बहुत पांडित थे थे लेकिन इस प्रकार से उनने अपने गुरु के सम्मान की रक्षा की बड़ा रोचक ये बात मुझे लगती है इसमें यहाँ पे आता इसलिए बहुत प्रेम करते थे उनसे काफी इंटरेस्टिंग है ना एक प्रकार के साक्ष्य भाव सा प्रस्तुत सा होता है वो भले जूनियर है लेकिन बड़े इंटीमेट एसोसिएशन लगता है नरोत्तम दास ठाकुर जी का और रामचंद्र का तो गुरु बोल रहा है एक तरह से रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास काफी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं कि देखिए भक्त लोग विरक्त होते हैं लेकिन सूखे हृदय वाले नहीं होते हम तो सुन रहे हैं ना हृदय एकदम मेल्ट हो जाता है और सुखदेव गोस्वामी जी के लिए भी कहा गया नित्यम विष्णु जनहा प्रिय क्योंकि कृष्ण कथा करते तो नित्य ही भक्तों को प्रिय थे और नित्य ही भक्त उनको प्रिय थे तो ये थोड़ा बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा कि भक्त लोग दे आर नॉट कोल्ड हार्टेड और ड्राई हार्टेड जगत से विरक्त है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के भक्तों में और भगवान की कथा में और भगवत सेवा में आ सकते हैं तो आप देख लीजिए ठीक है पहले वे और क्या बात कर रहे हैं गोविंद कविराज रामचंद्र कविराज के भाई तथा तो श्रीखंड निवासी चिरंजीव के सबसे छोटे पुत्र थे यद्यपि वे प्रारंभ में शाक्त अर्थात दुर्गा देवी की पूजा करने वाले थे अच्छा किंतु बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी इत्यादि ठीक है गौर गणदेश दीपिका के अनुसार कंसारी सेन में व्रज की रत्नावली गोपी थे उसको हमने पढ़ लिया था पीताम्बर माधवाचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद मनोहर ठीक है इन सब के नाम बताए जा रहे हैं नर्तक गोपाल राम भद्र गौरांग दास नृसिह चैतन्य मीन कीर्तन रामदास दास मीन कीर्तन रामदास के बारे में है मीना के रामदास संकर्षण के अवतार थे और इनके बारे में हम चेतनacetamide में शुरुआत में सुन चुके हैं मीना केतन रामदास आए थे कृष्णदास गवराज गोस्वामी के घर पे और वहां पे गुणा गुणार्नव मिश्र वो ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने उनका ध्यान नहीं दिया तो वो गुस्सा हो गए उन्होंने कहा एक और रूम हर्षन सूत आ गया अब उसका कारण क्या था कारण यह था कि गुणार्नव मिश्र ध्यान नहीं दिया था बात है नहीं है कारण यहाँ पर स्मरणार्थ कि उन्होंने उनकी मतलब गलत नहीं नित्यानंद प्रभु श्रद्धा नहीं थी और क्योंकि वह उनके पार्षद थे इस कारण से उन्होंने सम्मान नहीं दिया था तो इसीलिए वो बोले कि ये एक और रोमहर्षण उत्पन्न हो गया रोमर्षण को तुम्हारे थे वृंदावन दास नारायणी रत्न चैतन्य मंगल जे हो कर वृंदावन दास नारायणी के पुत्र थे और चैतन मंगल उन्होंने रचना की चैतन मंगल ही आगे जाकर चैतन्य भागवत के रूप में हो क्योंकि चेतन मंगल एक और भक्त ने लिखी थी तो अलग अलग नाम वैष्णव ने इसको कर दिया भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास भागवत में कृष्ण की लीला का वर्णन की है वेद व्यास और चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले व्यास हैं वृंदावन दास हाँ श्रीला वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे और कृष्ण लीला के कुष्मापीड नामक स्नेही गोपाल भी थे स्नेही गोपाल उनका गुण का वर्णन है नाम है उनका तो ये दो लोग के अवतार थे तो आप कहेंगे दो लोग कैसे शरीर में रह सकते हैं डोंट दैट क्वेश्चन श्रद्धा से आप स्वीकार कीजिए इस बात को दूसरे शब्दों में श्री चेतन महागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नारायणी के पुत्र थे वेदव्यास तथा गोपाल कुमा पीढ़ के संयुक्त अवतार थे एक रोचक बात है कि इनके पिता का नाम नहीं बता रहे क्यों क्योंकि पिता भक्त नहीं थे आपने नोटिस किया अन्य जगह बोला गया कि इसके बेटे मतलब पुत्र के थे ऐसे इसके पिता यहाँ माँ का नाम रख रहे हैं क्योंकि माँ भक्त है पिता के भक्त इतने लेवल के नहीं होंगे भक्त नहीं होंगे इसलिए उनका नाम नहीं कहीं कोई नाम नहीं दे रहा कि पिता कौन थे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया है तो जिस जो लोग गरीब लोग हैं वो डोनेशन कलेक्शन करके खरीद लें इसका। वैसे मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है अगर आप लोग मतलब नहीं पढ़ ले पा रहे हैं हार्ड कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर गोसाई तारा उप शाखा यत तारा अंत नाई सभी शाखा में श्रेष्ठ है वीरभद्र गोसाई जो शीरो विष्णु के अवतार हम सुन चुके हैं और उनकी कितनी उपशाखाएं उनका कोई वर्णन नहीं अंत नहीं अनंत नित्यानंद गण के करु गणाना आत्म पवित्रता हेतु लिखाई लकत जन अनेता नंद प्रो के गण अनंत हैं कितने कितने लोगों का गण, गणना करूंगा आत्म पवित्रता अपने को पवित्र करने के हेतु मैं उनके लिख रहा उनके लिख रहा हूं कुछ लोगों के बारे में लिख रहा हूं ए ई सर्व शाखा पूर्ण व पक्व प्रेम फले जारे देखे तारे दिया भसाइल सकल वाह ये सभी शाखाओं में प्रेम फल पूर्ण पक्व अवस्था में था पूर्ण रूप से पका हुआ एकदम मीठा एकदम हमारा तो क्या कहते हैं उसको फल से पहले क्या निकलता है उसको बर्ड्स बर्ड्स होते उसके बीच वाला क्या हो? मंजरी बोलते हैं ना क्या होता है इसमें हाँ आम की आम की मंजरी बोलते क्या बोलते हैं क्यारी क्यारी, क्यारी नहीं क्यारी तो क्यारी तो हरी वाली होती है वो जो छोटी छोटी होती है वो भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे वो तो छोड़ दीजिए अंकुर तो निकले <laughs> तब तो, तो, पेड़ कुछ निकलेगा <laughs> क्या होगा पता नहीं एनीवेज़ जारे देखे तारे कहे जिसको भी देखते थे उसको देते थे ले सके और उस प्रेम, की प्रेम में सागर में डुबो देते ला मतलब डुबो देना सभी को डुबो देते थे अनरगल प्रेम सबार चेष्टा अनर प्रेम दित कृष्ण दिते धरे महाबल एक बार फिर से गाइए कितना सुंदर है अनरगल प्रेम सबार चेष्टा अनर गल कृष्ण दिते धरे महाबल आवरोध रहित है कोई रुकावट नहीं था उन सब के कृष्ण मार सकते नहीं वो भी मारेंगे अच्छा लो, वो कर लिया मान लिया लेकिन अब मगरमच्छ के ऊपर आप तुम तो नहीं बैठ सकते हो नहीं वो भी कर लेंगे अच्छा ठीक है वो मान लिया लेकिन पानी के अंदर दो तीन दिन, दिन, दिन तक नहीं बैठना नहीं उसको भी बैठेंगे मतलब कोई लिमिटेशन नहीं अब आप चेतन भागवत पढ़ेंगे तो कितनी बार बोल चुके तीन महीने कीर्तन हो रहा है नॉन स्टॉप और कोई बच्चा बच्चे, बच्चे खा नहीं रहे हैं बाथरूम नहीं जा रहे सो नहीं रहे कीर्तन कीतन किए की जा रहे पेड़ उखाड़ दे रहे हैं नितिन प्रो क्या तो अगर नितिन प्रो अभी आ गए होते इन सेंस डायरेक्टली आ गए तो, तो बवाल कर देते <laughs> देखिए बवाल ही करना चेष्टा न कुछ कोई लिमिट कोई रुकावट ही नहीं है प्रेम देते प्रेम देने में कृष्ण देते कृष्ण को देने में महाबल उनका सबका प्राप्त तो सभी सभी सब पार्षदों को इस प्रकार से देखिए ना इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीमित शक्ति थी वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे ये बहुत अच्छा परपट है श्रील भक्ति ठाकुर ने कहा है कृष्णा से तो मार कृष्णादि ते पार तो

प्रसादान नगते हैं कुतोपी वैष्णव या प्रमाणिक गुरु की कृपा से मनुष्य कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण दोनों को प्राप्त कर सकता है वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको कृष्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसके लिए अप्राप्य नहीं कृष्ण तो है, ही। क्या में नहीं है? है प्रेम मिलेगा तो देख जाएंगे तो देखा जाए तो लौल्यम का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कृष्ण की कृपा प्राप्त करना और वह क्या प्रमाणिक रूप से गुरु की कृपा कैसे गुरु को कैसे प्रसन्न कर सके उसके द्वारा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है और कृपा प्राप्त करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसको सुखी करने का प्रयास करना चाहिए और सुखी कैसे होता है व्यक्ति यथा कामम यथा कालम समय के अनुसार और इच्छा के अनुसार व्यक्ति सेवा करे तो कोई भी व्यक्ति प्रसन्न होता है केवल एक वैष्णव की बात नहीं कर रहे कोई भी व्यक्ति तभी प्रसन्न होता है कि मालूम भूखा है आपने पानी उसको चलिए प्रभु जी आप क्लास सुनाइए अरे कुछ खिलाओ भी तो सही समझ रहा है मेरी बात एक ये समझ रहे लोग समझ नहीं रहते हैं लोग बहुत बहुत सिंपल सिंपल सी बात एक बात होती है मैं दूंगा परम वृंदावन चंद महाराज के संग प्रसाद देने के लिए गया वो भक्त खिलाए जा रहे हैं खिलाया जा रहा है खिला जा रहा है हम तो दो तीन एक्स्ट्रा खा को लेंगे कोई दिक्कत नहीं फिर महाराज एकदम हाथ करके रोक दिए कहीं देखिए संतुष्टि मत बिगाड़िए एक भारत के बड़ा है प्रेम से बोलते नहीं फिर जब टोकना होगा तो सीधे टोक मतलब रोक देंगे स्टॉप आप संतुष्टि मत बिगाड़िए और जितना खाने का कोई ये ठीक है तुमको मिल गया ना पुण्य अब उस व्यक्ति को ठूस के तुम खिलाई उसका नहीं है मन खाने का तो क्यों जबरदस्ती खिला रहे तो इस चीज को लोग मिस कर जाते हैं याद है भाई महाराज क्लास देने आए थे आसन पे बैठे नहीं व्यक्ति जाके माला चढ़ा रहा है तुम्हारा एकदम गुस्सा हो गए अरे कपाल पे चढ़ेंगे आओ <laughs> सर पर चढ़ जाएंगे हमारे एकदम तो लोग भावुकता में समझ नहीं पाते कि सेवा का क्या प्रारूप होता है आप देख रहा मेरा सही में गीता पढ़ाने का तो मन है चेतन चेताव्य में आपको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि सेवा की कैसे जाती है क्या क्या ये सही बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा कैसे सेवा कर रहे हैं किस भाव में कर रहे हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ग्रंथ है तो ये समझना चाहिए हम मेरा मां कहे पांच बजे क्या करना है अभी जाके कुछ मैं कुछ किताब वितरण करके आऊंगा नहीं तुम्हारा सोलह मला हुआ कि नहीं ये चीज है ठीक है एक बात महाराज बोलते हैं महाराज तो बहुत सारी बातें बोलते हैं ना लेकिन वो ना जीवन में घटित होते हुए देखते हैं कि आप देखेंगे कि किसी वैष्णव के अनुगत में हम रहते हैं तो हम अपराध करने से बच जाते हैं और जब आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए हो जाएंगे तो अब आप किसी हम किसी की भी नहीं सुन रहे हैं तो अपराध भी कोई कर रहा है तो कोई बताने वाला भी नहीं हो कि तुम ये ये मत करो और मान लो बोलेगा भी तुम सुनने वाले नहीं है दैट समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग इज इट नॉट मतलब आप तो ना मैं क्यों बोल रहा हूं लेकिन ये उसी कंटेक्स में नहीं हर जगह है गलतियां तो हम करते हैं और ऐसा तो नहीं कि पता ही रहता है कि गलती क्या कर रहे हैं मानो कोई भक्त तो बोले भी तो सुनने की आदत ही नहीं रहे की अगर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा और ध्यान दीजिएगा कि बद्धजीव होने के कारण हमको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है बाकी कुछ पसंद हो कि नहीं हो लेकिन इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है यस यस और नो व्हाट डू यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन कृष्ण भावना में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सहज स्वयं ही समर्पित करता नहीं हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे अपने हिसाब से चल चल के तो थोबड़े प्राप्त हो थो रहे हैं ये सब <laughs> कि नहीं अपने हिसाब से चले हैं तभी तो भाई आप अब मान लो आज ही मैं सोच रहा था बहुत पहले दो में जब पोस्टिंग थी तो मैंने वहां बिहार में कहलगांव में रसगुल्ला खाया था बाहर बिना भोग लगाए मतलब खरीद लिया आपने कहा कि अब क्या भोग लगाना इसका क्या इसका क्या कर्म लगे खा लिया आज मुझे बात याद आ रही थी कि किस प्रकार से हम दुराचरण कर लेते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से लेकिन अगर आप उन्होंने संकल्प लिया कि प्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो कुछ अनुगत है ना किसी भक्त का या किसी का भी या एक, एक किसी विशेष परिस्थिति में मान लीजिए प्रभुपा जी सामने होते मैं इस तरह का बर्ताव कर रहा हूं उन्हें कैसा लगता है ये सोचने लग जाए तब तो, तो हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाए कि मानो मेरे गुरु महाराज एकदम सामने बैठे होते तो वो क्या सोच रहे होते जैसे मैं बर्ताव कर रहा हूं सो मैनी I mean. <sighs> इसको ही करा, कदम मार्ग बोल रहे थे Surrender is a 24 -hour process. से से दिमाग हिलाने वाली बात है कि नहीं ट्वेंटी फोर आवर प्रोसेस है कि नहीं आज भक्त बोल रहे थे पूछ रहे थे कि दुख में हम अधिक शरणागत होते हैं शरणागति का मतलब ये नहीं कि जब दुख आए तब कृष्ण का स्मरण करें शरणागति का क्या अर्थ है अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्धित समझते हैं ना संस्कृति इतनी ट्वेंटी फोर आवर प्रोसेस है कि नहीं लेकिन एक समझ लीजिए ये बंधन नहीं है जितना शरण लेंगे उतना अगर सुखी रहेंगे मछली को चौबीस घंटे पानी में रहना पड़ता है कि नहीं बहुत कष्ट में रहती है ना महाराज कितना बात सुंदर बोले जितना शरण लेंगे जितना हम भक्ति के अनुकूल चलेंगे और प्रतिकूल चीज को रिजेक्ट करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे ये मैं फिर रिपीट करूंगा मछली 24 घंटे पानी में रहती कि नहीं और एक और सोचिए आश्चर्य की बात स, वो समुद्र में आप कितना रहना चाहोगे समुद्र का तो पानी खराब होता है और उसमें आंखें खुली करके न, न, ये मछलियां घूमती हैं बताइए सुखी रहती कि नहीं? नहीं रहती तो वेल मोटी क्यों से होती <laughs> या वट एवर अदर मेडिसिन सुख से रहती है वहां से आना नहीं चाहते ये बात बहुत अच्छी है जितना हमारी भक्ति के जो अनुकूल उसको ग्रहण करेंगे और प्रतिकूल को रिजेक्ट करेंगे उतना आपको हम स्वयं खुश रहेंगे तो कुछ बोलने लगा गुरु की प्रसन्नता के ऊपर संक्षेप कहिलाए नित्यानंद गढ़ न पाए सहसन संक्षेप में मैंने नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के बारे में बताया जिनकी अवधि जिनकी सीमा सहस्त्र बदन यानी कि शेष नाग इनके एक हजार मुख है वह भी नहीं पा सकते तो मैं क्या बोल पाऊंगा ये कह रहे हैं कृषिदास कवराज स्वामी एक बात समझिएगा इस तरह की बातें कई बार आती है तो कहें जब गिन नहीं सकते तो गिन रहे क्यों हो मान लो दस हजार के नोट हैं तो आप गिनना शुरू करते हैं क्या आप भी तो नहीं कहते कि भाई मैं इसे गिन नहीं सकता हूँ फिर भी गिन रहा हूं अपने शुद्धिकरण के लिए नोट तो अब ऐसे प्रकार से नहीं गिनते हैं भाई देखिए इसको उदाहरण से दिया जाता है कि मान लो कोई पक्षी है तो क्या पक्षी आकाश की सीमा को नाप सकता है लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार उड़ तो सकता ही है ना उस तरह से तो इनके अनंत पार्षद हैं। हम अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कुछ मुख्य लोग का वर्णन कर रहे हैं ये बात बोल रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जा चैतन्य चरितावृत कहे कृष्ण दास तो समझ गए इस प्रकार श्री चतन जतामित आदि लीला के ग्यारहवें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें नित्यानंद के अंशों का वर्णन है हरि तो इस प्रकार से आपका धीरे धीरे करके चेतन चटतामित पूर्ण हो रहा है वो कल से फिर आदित्याचार्य जी के पार्षदों के बारे में सुनेंगे तो उसके बाद उसके बाद फिर क्या गदाधर दास जी के पार्षदों के बारे में उसके बाद श्रीवास ठाकुर जो भी रहेगा जैसे सुनते रहेंगे श्री चैतन्य चटतामित की जाय एक छोटा सा डिस्कशन है एक मेरे इच्छा है